बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की एग्जांपल नंबर 7 से लेकर एग्जांपल नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल 10.7। ये एग्जांपल बच्चों वेंचुरी मीटर पर बेस्ड है। वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो की स्पीड को मेजर किया जाता है। ये इसका डायग्राम है और इसके लिए फॉर्मूला हम देख सकते हैं। ये है फॉर्मूला जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक डॉग जो बेहोश है, उसकी आर्टरीज में ब्लड के फ्लो की स्पीड को फाइंड करना है। और वेंचुरी मीटर में हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिफरेंट होता है। एक जगह से जो ट्यूब है वो कंप्रेस्ड रहती है, तो वहाँ का एरिया और एक दूसरे प्लेस का एरिया जो है उनमें डिफरेंस होता है। तो जब भी लिक्विड इसमें फ्लो होता है तो उसकी वेलोसिटीज इन दोनों प्लेसेस पर अलग अलग होती है, और वेलोसिटी डिफरेंट होने से फिर प्रेशर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से हम वेंचुरी मीटर का के लिए एक फॉर्मूला डराइव करते हैं। ये तो वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर डॉग की जो आर्टरीज है उसको इससे पास कराया गया है वेंचुरी मीटर से। तो अब उस आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो है उसकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पर उसकी वेलोसिटीज में डिफरेंस रहेगा। हमें क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है क्वेश्चन में दोनों प्लेसेस के लिए, ऐसे वाइडर और नैरो प्लेस जो है उसका हमें क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, हमें ब्लड के फ्लो की स्पीड फाइंड करनी है आर्टरीज में। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में हमें ये एरियाज गिवन है, तो हम यहाँ वेंचुरी मीटर में देख रहे हैं कि ये है वाइडर पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये नैरो पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये कैपिटल ए से डिनोट किया गया है, यहाँ पर स्मॉल लेटर ए है। तो इसी तरह से हमने ये दोनों वैल्यूज लिख ली हैं। मिलीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 10^-3 का स्क्वायर करेंगे तो 10^-6। इस तरह से 10^-6 से मल्टीप्लाई करके हम मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। प्रेशर डिफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 24 पास्कल। ब्लड की डेंसिटी हमने टेबल से देख ली है और वो है 1.06 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें स्पीड ऑफ ब्लड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं वेंचुरी मीटर के लिए। ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ कर ले रहे हैं। इस फॉर्मूले को अगर लर्न करने में आपको कुछ डिफ़िकल्टी होती है तो इसका यहाँ छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उससे भी इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये वेंचुरी मीटर के लिए डेरिवेशन है। अभी हमने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है जिससे हमें v1² जो है वो कैलकुलेट करना है। ये v1 स्पीड बच्चों इस पोर्शन की है, जो वाइडर पोर्शन है उसमें किस स्पीड से फ्लो हो रहा है ब्लड, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो पूरा जो पाइप या ट्यूब होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यही रहता है, बस इसको एक जगह से कंप्रेस किया जाता है जिससे कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। तो ये v1² हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम इसमें सारी वैल्यूज़ रख देंगे। ये प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू रख दी हमने, ये डेंसिटी की वैल्यू रख दी, ये 1000 से हमने इसमें मल्टीप्लाई करके तब ये वैल्यू रखी है। ये v1² यहाँ पर a और a की वैल्यूज़ रख दी है। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 से हमने इसे डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर हम देखें तो ये पावर्स कैंसिल हो गई और यहाँ पर आ जाएगा 4 × 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 − 1 ये आ गया। यहाँ पर हमें v1² फाइंड करना है, तो v1² की वैल्यू हमने लिख ली, ये आ जाएगी 24/530 × 3, ये 4 − 1 3 आ जाएगा। और आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें v1² की वैल्यू 4/265 ये मिल जाती है। यहाँ से v1 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और 265 का स्क्वायर रूट 16.27 आ गया है। तो अब ये v1 की वैल्यू जो है इसको सिंप्लीफाई किया हमने, इसका स्क्वायर रूट ले लिया और इससे डिवाइड किया,
तो ये वैल्यू मिल जाती है। इसको हमने थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख लिया है, तो V1 की वैल्यू हमें 0.123 मीटर पर सेकेंड ये मिल जाती है। तो ये है स्पीड ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 10.8। बच्चों एग्जाम्पल 10.8 में एक फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट है जिसका मास है 3.3 × 10^5 किलोग्राम। इसका टोटल विंग एरिया है 500 मीटर स्क्वायर, और जिस टाइम ये लेवल फ्लाइट में है उस टाइम इसकी स्पीड है 960 किलोमीटर पर आवर। लेवल फ्लाइट मतलब बच्चों टेक ऑफ करने के बाद जब ये स्पेस में है तो ये इस तरीके से उड़ रहा है, तो उस टाइम की स्पीड है ये 960 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं ए पार्ट, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेसेस ऑफ द विंग्स। तो हमें जो उसके विंग्स की सरफेसेस हैं उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। और बी पार्ट में हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। तो हमें यहाँ पर उसकी वेलोसिटी में जो फ्रैक्शनल इंक्रीज है विंग्स के अपर और लोअर सरफेसेस के बीच में वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। एयर की डेंसिटी गिवन है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ एयरक्राफ्ट, हमें एरिया गिवन है उसके विंग्स का, स्पीड इन लेवल फ्लाइट वो हमें गिवन है 960 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये 5/18 आपको पता ही होगा कि किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और आवर्स को सेकेंड में, तो उसकी डायरेक्ट एक हम वैल्यू लिख लेते हैं 5/18। तो इससे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है 266.66। इस तरीके से आगे तक वैल्यू मिलती चली जाती है। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 267 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ए पार्ट में बच्चों हमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। तो जिस टाइम पर प्लेन हवा में है और बैलेंस्ड कंडीशन में है तो उस टाइम पर जो उसका वेट है एक अपवर्ड फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है ये है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो हम इस अपवर्ड फोर्स को जो उसके वेट है उससे बैलेंस करेंगे। तो ये अपवर्ड फोर्स इसको हम लिख लेते हैं प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, और ये है उसका वेट। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए आ गया। यहाँ पर ये क्या है उसका वेट, तो इसको हम एम जी लिख देंगे, और ये एरिया। यहाँ पर एम की वैल्यू रख दी हमने, जी की वैल्यू रख दी, ये ए की वैल्यू रख दी है, तो डेल्टा पी की ये वैल्यू मिल जाती है। इसको हम और आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू मिलती है। थोड़ा इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो हम इसे लिख देते हैं फिर 6.5 × 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें प्रेशर डिफरेंस मिल जाता है। बच्चों अब हमें बी पार्ट में फाइंड करना है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर। तो हमें ये जो हमने एयरक्राफ्ट के लिए किए विंग बना लिया है, तो हम देख रहे हैं कि विंग इस तरीके का होता है कि जो एरिया एयर कवर करती है वो अपर पार्ट के लिए ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द लोअर पार्ट। तो यहाँ पर एयर की स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ पर स्पीड कम होती है, और इस डिफरेंस की वजह से ही प्रेशर डिफरेंस होता है। तो बर्नौलीज थ्योरम का हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लिया है। अब बच्चों अर्थ से जो प्लेन है वो काफ़ी हाइट पर है, तो इन दोनों का जो हाइट का डिफरेंस है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, मीन्स H1 और H2 को हम इक्वल मान के चलेंगे। तो ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास P1 - P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2² - V1² ये बचेगा, जहाँ पर ये V2 क्या है, ये अपर पार्ट में अपर सरफेस के लिए एयर की स्पीड है, और V1 लोअर सरफेस के लिए एयर की स्पीड है। तो हमें क्या फाइंड करना है अब यहाँ पर, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो हम देख रहे हैं कि अब हमें ये फॉर्मूला मिल गया है। यहाँ पर A² - B² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, A+B A - B इस तरीके से लिख दिया है। ये जो 2 है इसको हमने V1 + V2/2 यहाँ लिख दिया है। तो अब ये क्या बन गई, ये बन गई एवरेज वेलोसिटी, तो हम इसको V एवरेज लिख देंगे।
और प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी, मींस हमें फाइंड करना है वी टू माइनस वी वन अपॉन वी एवरेज। ये है फ्रैक्शनल इंक्रीज जो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब वेलोसिटीज का चेंज एवरेज वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा पी अपॉन रो वी एवरेज स्क्वायर। ये कैसे स्क्वायर आया कि हमने यहाँ पर भी वी एवरेज लिख दिया और यहाँ पर भी, दोनों साइड हमने वी एवरेज इनसे यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, तो इसलिए इस साइड आ गया है वी एवरेज स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। तो हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू हमने जस्ट ए पार्ट में कैलकुलेट की है, वो रख दी है। ये है डेंसिटी की वैल्यू, एयर की डेंसिटी, और ये वी एवरेज की वैल्यू है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अब इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें इसका स्क्वायर तो करना ही होगा और हमें ये एक बड़ी सी वैल्यू मिल जाएगी। पर अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए राउंड ऑफ कर लेते हैं कि इजीली हम कैलकुलेशन कर पाएँ। आप ये देख रहे हैं काफ़ी बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर है ये 10^3। तो इस 10^3 को हम यहाँ ले आते हैं नीचे, मतलब 1000 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमें 71.289 इस तरह से नंबर मिल जाएगा। और इस 71.289 को हमने 71.3 इस तरीके से लिख लिया है कि इतनी बड़ी वैल्यू को हमने एक तरह से थोड़ा राउंड ऑफ कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है 0.0759। इसको हम और राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 0.076 ये लिख सकते हैं हम, और इसको 0.08 लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके। ये हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी की। इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 8% ये वैल्यू मिल जाएगी। मींस जो स्पीड है विंग के ऊपर, उसको लोअर पोर्शन, जो बॉटम वाला पोर्शन है विंग का, उसके कंपैरिजन में 8% ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों अब देख लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 10.9। बच्चों एग्जांपल 10.9 के लिए हमें डायग्राम गिवन है, तो हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से ही समझते हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि एक मेटल ब्लॉक है जिसका एरिया है, ये है मेटल ब्लॉक, इसका एरिया हमें 0.10 मीटर स्क्वायर गिवन है, और ये कनेक्टेड है एक मास से 0.01 किलोग्राम के। यहाँ एक स्ट्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में दिया हुआ है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि एक लिक्विड की फिल्म है ये, जिसकी थिकनेस है 0.30 mm, जो ब्लॉक और टेबल के बीच में बन रही है। अब इस वेट की वजह से ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो फिल्म की कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, इस डायग्राम की तरह से, कि अपर सरफेस ऐसे थोड़ा आगे रहेगी और हर उससे लोअर सरफेस थोड़ा उसके पीछे रहेगी विस्कोसिटी की वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से। तो अब इस लिक्विड की, जिसकी ये फिल्म है, उसके लिए कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों हमें एरिया गिवन है मेटल ब्लॉक का, ये हमें गिवन है 0.10 मीटर स्क्वायर, मास गिवन है, स्ट्रिंग पर कितना मास है वो गिवन है, थिकनेस जो है फिल्म की वो लेंथ की तरह वर्क करेगी। तो हम यहाँ पर थिकनेस ऑफ फिल्म को लिख लेते हैं एल की वैल्यू 0.30 mm, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेटल ब्लॉक की स्पीड गिवन है 0.085 मीटर पर सेकेंड। अब मेटल ब्लॉक जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब जब वो मूव करेगा तो एक शियर फोर्स लग रही है यहाँ फिल्म के ऊपर, वो किसके इक्वल होगी, जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसके इक्वल, और ये जो टेंशन है ये किसके इक्वल है, वेट के इक्वल, जो वेट यहाँ एक्ट कर रहा है। यहाँ डायग्राम में हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये तो है वेट mg, और यहाँ पर है ये टेंशन, इसमें स्ट्रिंग में t टेंशन है, यहाँ पर भी t टेंशन है, और ये जो टेंशन है यही शियर फोर्स के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया कि ये जो फोर्स है F, शियर फोर्स, वो mg के इक्वल हो गया, और mg की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमें मास गिवन है, g हम 9.8 ले रहे हैं,
तो इस तरह से हमने शियर स्ट्रेस फाइंड कर लिया, शियर स्ट्रेस एफ अपॉन ए, ये एफ की वैल्यू है, एरिया हमें यहाँ पर गिवन ही है 0.10 मीटर स्क्वायर, तो एफ अपॉन ए हमने शियर स्ट्रेस फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम स्ट्रेन रेट फाइंड कर ले रहे हैं, स्ट्रेन रेट को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट की टर्म में भी मान सकते हैं, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो हमने ये स्ट्रेन रेट फाइंड कर लिया, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू रख ली, और जो थिकनेस है फिल्म की उसको हम उसकी लेंथ मान रहे हैं, तो ये हमने एल की वैल्यू रख ली। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो 850/3 ये आ गया, तो अभी इसको हम यहीं रहने देते हैं। अब बच्चों फॉर्मूला क्या है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का? कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन की, और इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ईटा की हमें ये वैल्यू मिल जाती है, इसको हम थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये जो डेसिमल है उसको हमने यहाँ पर 3 प्लेसेस तक मूव करा दिया राइट में, तो पावर -3 आ गई है, तो 3.45 × 10⁻³ पास्कल सेकेंड, ये हमें कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू मिल जाती है, यही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल 10.10 बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी पर बेस्ड है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? जब कोई बॉडी किसी फ्लूड में गिर रही होती है तो उस पर 3 फोर्सेस काम करते हैं, एक तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक अपथ्रस्ट फोर्स वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इनिशियली तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी इंक्रीज होती जाती है, और एक कंडीशन में ये बैलेंस हो जाती हैं, और उस टाइम पर जो बॉडी है वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगती है, इसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 mm फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस से 6.5 सेंटीमीटर/सेकेंड। यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी हमें गिवन है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी है कॉपर बॉल के लिए जिसकी रेडियस है 2 mm। क्या फाइंड करना है? कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पर हमें विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑयल की डेंसिटी हमें गिवन है, कॉपर की डेंसिटी हमें गिवन है। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और उसमें ये सारी वैल्यूज रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं जो भी गिवन है हमें क्वेश्चन में, और अब हम फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ 2 डेंसिटीज गिवन है, तो ये जो डेंसिटी है बच्चों ये तो है स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी, और ये होती है जो मीडियम है जो फ्लूड है उसकी डेंसिटी जिसमें कि स्फेरिकल बॉडी गिर रही होती है। तो हम यहाँ से अब ईटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज रख लेते हैं, तो ये 2, यहाँ पर ये ए की वैल्यू, ए क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ कॉपर वॉल, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ये डेंसिटीज का डिफरेंस हमने ले लिया है, जी की वैल्यू 9.8 और ये टर्मिनल वेलोसिटी हमें गिवन है इसकी वैल्यू रख दी है, ये हमें cm/s में गिवन थी तो हमने इसको m/s में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करने के बाद हमें ईटा की वैल्यू मिल जाती है 0.99 पास्कल सेकेंड। बच्चों अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर इज 0.48 लीटर/मिनट। यहाँ पर हमें वाटर का फ्लो रेट गिवन है। द कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ पास्कल सेकेंड। After some time, the flow rate is increased to 3 liter/minute. Characterize the flow for both the flow rates. हमें पहचानना है कि ये जो फ्लो है वो किस टाइप का है, मीन्स ये लमिनार फ्लो है या फिर टर्बुलेंट है, इस तरह से हमें इनका इनको कैरेक्टराइज करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, और फ्लो रेट के लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ पर ये डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये डायमीटर है, और ये कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो क्यू के फॉर्मूले से वी की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, और इस वी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो इससे रेनॉल्ड्स नंबर के लिए जो फॉर्मूला है वो क्यू की टर्म में मिल जाता है हमें। V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इसलिए हमने V की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं, या इस तरीके से सॉल्व करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये जो फॉर्मूला है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, इसमें हम सारी वैल्यूज रख देते हैं, क्योंकि हमको डेंसिटी भी गिवन है, हमें फ्लो रेट भी गिवन है, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी भी गिवन है, डायमीटर भी गिवन है, सब वैल्यूज गिवन है। तो अब ये जो हमें फ्लो रेट की वैल्यू गिवन है, मींस किसी क्रॉस सेक्शन से एक मिनट में कितने लीटर जो लिक्विड है वो क्रॉस कर रहा है, उसकी वैल्यू गिवन है। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर को मीटर क्यूब में, और यहाँ मिनट को सेकंड में। तो 1 लीटर में 10^-3 मीटर क्यूब होते हैं। तो हमने यहाँ पर 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से। तो इस तरह से जो Q की वैल्यू है अब ये आ जाती है हमारे पास। बाकी जो भी वैल्यूज गिवन हमने सब लिख ली हैं। अब हम फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रख के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम रेनॉल्ड नंबर की जो हमारे पास एक कैटेगरी है उससे कंपेयर करते हैं। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम जब कंपेयर करते हैं आर की वैल्यू से, तो हमें पता है कि अगर आर की वैल्यू 1000 से कम होती है तो जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, लामिनार फ्लो होता है। पार्ट में बच्चों क्यू की वैल्यू 3 लीटर पर मिनट गिवन है, इसको भी ऐसे ही हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो हमें ये वैल्यू मिल जा रही है 5×10^-5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब ये हम रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस बार जो वैल्यू हमें मिलती है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए वो हमें मिलती है 5095। ये वैल्यू 2000 से ज़्यादा है, तो इसलिए जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है। बच्चों हमें पता है कि आर की वैल्यू अगर 1000 से कम है तो फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो होगा, और अगर ये वैल्यू 2000 से ज़्यादा होगी तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो यहाँ दोनों ही केसेस हमने देख लिए हैं कि फर्स्ट केस में तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और सेकेंड केस में ये टर्बुलेंट फ्लो है। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस आपको पता ही होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। इसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हैं कि जिस टाइम पर पानी बहुत स्लो स्पीड से फ्लो हो रहा होता है तो वो एक तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, लेकिन जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो एक ज़िगज़ैग या एक इनडिसिप्लिन वे में फ्लो करने लगता है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। बच्चों अब देखते हैं हम लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका डायमीटर है 2 मिलीमीटर, एक बीकर में पानी है, और इस पानी की सरफेस से 8 सेंटीमीटर तक इस कैपिलरी ट्यूब को इसमें बीकर में डिप किया जाता है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स एंड इन वाटर, कि जो कैपिलरी ट्यूब है उसके दूसरे एंड जो बाहर है एंड कैपिलरी ट्यूब का, वहाँ पर कितने प्रेशर की ज़रूरत होगी अगर जो एंड कैपिलरी का वाटर के अंदर है वहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बबल बनाया जाए। द सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर एट टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 7.30×10^-2 न्यूटन पर मीटर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू हमें गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी है, तो एक्सेस प्रेशर भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इसको बच्चों क्वेश्चन को हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज ये है कोई बीकर, और इस बीकर में वाटर है। अब एक कैपिलरी को इसमें डिप किया जाता है,
और ये जो डिप किया जा रहा है इस वाटर की सरफेस से, ये जो डेप्थ है इसकी, ये हमें इसमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। यहाँ 8 सेंटीमीटर तक इसको डिप किया जा रहा है। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पर कितने प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस कैपिलरी पर यहाँ एक हेमिस्फेयर बबल बनाना है। तो इसको अगर हम और थोड़ा सा वाइड करके देखें तो ये है कैपिलरी, ये वाली कैपिलरी। तो यहाँ पर इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल बबल बनाना है, जैसे ये है पूरा एक, अगर हम सर्कल देखें तो हम इस बबल की बात कर रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर कितने प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और हमें एक्सेस प्रेशर भी फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पर जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया PA, यहाँ सरफेस पर, और यहाँ इस डेप्थ में जाने पर ये जो इतने पोर्शन का है ये गैस प्रेशर होता है ना, ये होता है ρgH। और यहाँ पर अब जो प्रेशर होता है P, वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है, PA+ρgH। ठीक है, तो अब हमको पहले ये प्रेशर फाइंड करना है, और फिर हम एक्सेस प्रेशर, हम जानते हैं कि जिस टाइम पर लिक्विड के अंदर कोई बबल बनेगा तो उसकी एक ही सरफेस होगी। ये इस साइड तो लिक्विड है ना, तो एक ही इसकी ये फ्री सरफेस है। तो ऐसे केस में जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 2S/R, जहाँ R जो है वो इसकी रेडियस है, ये R रेडियस है, और ये एक्सेस प्रेशर के लिए फॉर्मूला है। तो अब हम चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2S/R, यहाँ पर S है सरफेस टेंशन। हम यहाँ पर ये 2S किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि एक ही सरफेस है इसकी लिक्विड के अंदर। और अब प्रेशर जो आउटसाइड हम बबल के देखेंगे, तो आउटसाइड प्रेशर PO लिख लिया इसको हमने, PA+ h ρg, ये आ गया। ये अभी हमने देखा कि डेप्थ में जा रहे हैं इसलिए h ρg हमने ऐड कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जो आउटसाइड प्रेशर है वो इतना आ गया, बबल के बाहर जो प्रेशर होगा ये वो PO प्रेशर है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, हाइट हमें इसमें गिवन ही है, जो डेप्थ है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर को मीटर में। ये डेंसिटी है वाटर की, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, ये वो लिख ली है। आगे देखते हैं हम इसको, तो और आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ 10^5 है, तो हमने इस टर्म के साथ भी ये 10^5 ये बना लिया है, इसको डेसिमल की पोजीशन को चेंज करके। तो इस तरह से जो आउटसाइड प्रेशर है लिक्विड के अंदर, बबल के बाहर जो प्रेशर है वो हमें मिल जाता है 1.01784 × 10^5 पास्कल। अब बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर भी होगा, तो इस प्रेशर के साथ हम एक्सेस प्रेशर, ये जो प्रेशर है इसमें एक्सेस प्रेशर की वैल्यू और ऐड कर देंगे, और एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2S/R। तो ये आउटसाइड प्रेशर जो है उसमें हमने ऐड कर दिया एक्सेस प्रेशर, तो ये बबल के अंदर जो प्रेशर है इनसाइड प्रेशर वो आ गया है। तो ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ 2S/R, तो ये 2 सरफेस टेंशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू रख दी है। यहाँ हमें डायमीटर गिवन है 2 मिलीमीटर, तो डायमीटर 2 है उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो रेडियस हमें 1 मिलीमीटर मिल गई। 1 मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो 1 × 10^-3 ये मीटर में आ गई है रेडियस। अब बस हमने पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू 2S/R की 146 आ गई है, और इन दोनों को ऐड करना है, मतलब यहाँ पर फिर से पावर दोनों टर्म की हमें सेम करनी होगी। तो हमने 146 को इस तरह से चेंज करके लिख लिया है कि पावर्स दोनों की सेम हो जाए और हम इन्हें ऐड कर पाएँ। फिर इनको ऐड कर लिया और थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया है, तो 1.02 × 10^5 पास्कल ये आ गया है हमारे पास इनसाइड प्रेशर। अब इसमें हमसे ये लास्ट में पूछा है एक्सेस प्रेशर की वैल्यू, तो जो एक्सेस प्रेशर है वो हमने देखा कि 2S/R है, तो एक्सेस प्रेशर और हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2S/R।
और इसको हमने सॉल्व किया है 2.73 इंटू 10^-2 अपॉन 1 × 10^-3, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 146 पास्कल। तो ये एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई जो हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर चुके थे, पर यहाँ हमें दोबारा से बताना है तो हमने फिर से सॉल्व कर दिया है। ये क्या है बच्चों, हियर रेडियस ऑफ द बबल इज टेकन टू बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब सिंस द बबल इज हेमिस्फेरिकल। ये हमने अभी डायग्राम में भी देखा था कि जो ये कैपिलरी है, हमने जो बबल लिया है वो जस्ट उसकी रेडियस के इक्वल लिया है, कि जो कैपिलरी की रेडियस है वही इस बबल की रेडियस है। आई होप बच्चों कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।